तो साथियों, जैसा कि मैं लगातार पूरे दिल्ली का मैं भ्रमण करके मैं दिखा रहा हूं कि आज जो छठ पूजा का आयोजन किया गया है, ये दो दिन का चलता है और आज पहला दिन था। और सुबह जो सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी सूर्य का नमस्कार और सूर्य का पूजन किया जाता है, उस दिन समापन होता है। और जो आम आदमी पार्टी के जो सरकार है, केजरीवाल जी हैं, जो उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है और हमारे बीच में है। आज मैं हूँ हर्ष विहार में, और हर्ष विहार में भी मैंने पूरा पंडाल दिखाया है। जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों का हुजूम था, वो देखने को ये हो रहा था कि सारा सिस्टम तरीके से यहाँ पे घाट पे और बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। हमारे बीच में कुछ आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कि हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हम उनसे बारी बारी से हम बात करेंगे कि सर, पर्चे के साथ में क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी एमसीडी में जब केजरीवाल जी नहीं है, उसके बावजूद भी इतना सारा इंतजाम, तो क्या कहीं ना कहीं ये अगर एमसीडी का जो आपकी नीति चल रही है पार्टी की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो आप इस प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं। जैसा कि अभी मीडिया हमारी कवरेज नहीं करता है, मेरा नाम शैलेंद्र गौतम है, मैं गोकुलपुर विधानसभा पर्यवेक्षक के तौर पे यहाँ तैनात हूँ, और मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ। मैं अपने सीएम साहब के आह्वान पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ लोगों के बीच में कि सबसे पहले तो छठ मैया की जय। और ये छठ मैया का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब यहाँ होता क्या है कि हमारे हर्ष विहार में, या जैसे कि अभी सांसद प्रवेश वर्मा जी, मनोज तिवारी जी, ये लोग आकर यमुना नदी को दिखाते हैं। आज हमारे यहाँ देखिए कि यमुना नदी के, आज हमने एक पोस्ट डाली है, यमुना नदी बिल्कुल क्लीन है। आज की डेट में छठ व्रती जितने भी हैं वो यमुना में जाकर भी खड़े हैं, बट हमने अभी उसमें क्या किया है कि यमुना नदी में ना जाए, कोई दुर्घटना ना हो, तो उसके पास में एक पॉन्ड बनाया है दिल्ली सरकार ने। वो उसका बनाने का रीज़न ये है कि कल को हमें कोई क्षति ना उठाने पड़े। और एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है, इससे आप लोग जान सकते हैं। यहाँ देखिए कितने खूबसूरत हमने पॉन्ड बनाए हैं, जगह वगैरह दिए, सब दिल्ली सरकार की देन है। और दिल्ली सरकार काम पे विश्वास रखती है, काम करती है, और इसी बात पे वो वोट मांगती है। तो मैं आप लोगों से फिर वही कहना चाहता हूँ कि पहले दिल्ली सरकार का काम देखिए, और इस बार जैसा कि हमारा आह्वान है, दिल्ली में 15 साल से बीजेपी काबिज है, और उन्होंने 15 साल में क्या दिया हमें। दिल्ली में हम कहीं से भी एंटर करते हैं, हर जगह में एक बड़ा कूड़े का पहाड़ दिखाई देता है। कूड़े का, चाहे हम भलसवा साइड से आएँ, चाहे हम गाजीपुर साइड से आएँ, चाहे हम ओखला साइड से आएँ, किधर से भी आएँ, हमें क्या दिखता है, अगर कोई फॉरनर हमारे पास आता है दिल्ली में घूमने, तो वो देखता है, अरे वाह, पहाड़, दिल्ली में भी पहाड़। तो हमें उसे कहते हुए शर्म ही आती है, ये कूड़े का पहाड़ है, ये नेचुरल पहाड़ नहीं है जो हमें विरासत में मिले हैं। तो इस कूड़े को, पहाड़ को हमें ख़त्म करना होगा। आगे चलकर मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि दिल्ली सरकार के कामों को ध्यान में रखते हुए आगे दिल्ली सरकार को एमसीडी में लाएं, और इस पहाड़ को और अपने यहाँ की सफाई व्यवस्था को, या आपके यहाँ जो एमसीडी में घोटाले व्याप हैं, वो घोटालों को ख़त्म करने के लिए दिल्ली सरकार ही कामयाबी दे सकती है। नहीं, आप पहाड़ की बात कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं, दिल्ली में तो लाखों करोड़ों टन जो डेली, मतलब कि घरों से कूड़ा निकलता है, तो उसके लिए क्या दिल्ली सरकार के पास में कोई पैमाना है जो कि वहाँ पे खपत करे? जी, दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे पैमाने बनाए हुए हैं इस चीज़ के लिए कि घरों से डेली निकलने वाले कूड़े को भी हम सेग्रीगेट करेंगे, और जो हमारे पुराना जो कूड़े का पहाड़ है उसको धीरे धीरे हम कैसे डिमोलाइज करेंगे, बिल्कुल हमारा डिमोलाइज हो जाएगा कि हमें आगे बिल्कुल ना तो कूड़े के पहाड़ कहीं दिखाई देंगे, और जो घर से निकलने वाला कूड़ा है उसको यूटिलाइज हम कैसे करेंगे, वो हमारी नीतियों में शामिल है। एक बार हमें मौका तो दो, हम आपको वो दिखाएंगे। जैसे हम पहले, आपने कभी सोचा था कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलेगी? आज दिल्ली में बिजली मिलती है। साफ पानी मिलेगा? नहीं सोचा था। किसी ने ये सोचा था कि बिजली, बसों की व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाएगी? और अस्पतालों में जाके देखिए, इतना स्वास्थ्य के बारे में कभी किसी ने सोचा था? वो किसने किया? वो दिल्ली सरकार ने किया, वो केजरीवाल सरकार ने काम किए हैं। और ऐसे एक काम नहीं है, अगर मैं गिनने पे आऊँगा तो आज शाम यही बीत जाएगी और आपका इंटरव्यू खत्म नहीं हो पाएगा, या मैं आपको कोई बात बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि लिस्ट ही इतनी बड़ी। दिल्ली सरकार काम पर विश्वास करती है, आप काम देखिए हमारे, उसके बाद फिर बात करेंगे इस पर। नहीं, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी में घमासान मची हुई है, क्या लगता है कि आगे जो एमसीडी का जो चुनाव है, उन नीतियों पे काबिज
उतर पाएगी? जी बिल्कुल, जैसा कि हम बार बार यही कहते हैं, हमारी केजरीवाल सरकार यही कहती है कि हम अगर काम करते हैं तो हमें आप वोट दीजिए, अगर हम काम नहीं करते तो हमें वोट मत दीजिए। हमारा मानना यही है कि अगर हम वोट मांगने तब आएंगे आपके पास अगर हम काम करके दिखा रहे हैं। हम अपने काम पे, हमारे पिछले 10 साल का काम देखिए, उसके बाद हमें देखिए कि हमने क्या काम किया, उसके बाद हमें वोट दीजिए ना। अभी हमें 7 साल में देख लीजिए हमने कितना काम करके दिखा दिया। इसी तरह से हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे काम पे हमें वोट दो, और MCD में भी हम आपको इसी तरह से काम करके दिखाएंगे जैसा कि हमने दिल्ली में अपनी दिल्ली सरकार के रहते हुए हमने काम किया है। क्या लगता है कि एक एक वार्ड में कई कई चेहरे नजर आ रहे हैं और वो जज करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो रहा है, तो क्या इसके लिए पार्टी भी मतलब उनके लिए कुछ सोची हुई है कि जो? जी बिल्कुल, ऐसा है कि पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता हैं या नए कार्यकर्ता आ रहे हैं उनके काम के आधार पर, उनकी छवि के आधार पर और उनका जो भी काम करने की नीति है या उनका सारा कुछ पहले बैकग्राउंड देखा जाता है हमारे यहाँ कि कल को वो किस लेवल तक हमारे काम कर पाएंगे, जो दिल्ली सरकार की नीतियाँ हैं उस पर किस तरह खड़े उतर पाएंगे। हम सारी चीज़ें जांच परखते हैं, उनके पीछे एक टीम हमारी काम करती है, सभी का सभी लोगों का काम देखा जाता है कि भाई इसके एरिया में कितनी पहचान है, काम क्या करते हैं, इनका कोई खराब बैकग्राउंड तो नहीं है, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आने वाले टाइम में टिकट भी उन्हीं को मिलेगा जो काम अच्छा कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रदीप निर्बल भी है जो कि लोकल क्षेत्र मतलब आप क्षेत्रवासियों से काफ़ी वाकिफ है और भूतपूर्व आप प्रत्याशी भी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के बीच में, आप जाते हैं मिलते हैं और आज का ये छठ पूजा देखिए, छठ पूजा के इस महापर्व पर मैं सबसे पहले हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे क्षेत्रीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने क्षेत्रवासियों के लिए हर जगह उन्होंने, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हर जगह हर क्षेत्र में उन्होंने छठ घाट बनाने का काम किया है जिससे हमारे पूर्वांचल भाई बहनों को अपनी पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। और इस बार उन्होंने यमुना नदी पर भी परमिशन लेकर के वहाँ छठ मनाने की परमिशन सबको दी है, वहाँ भी सब अच्छे से लोग मना रहे हैं, साफ सुथरी यमुना कराई है। तो ये सब जो है हमारे माननीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी के प्रयास से सब कुछ हो पाया है, हमारे CM साहब के करने से सब कुछ हो पाया है। मात्र एक ऐसी पार्टी पूरे देश के अंदर, एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसके नेता कहते हैं कि हमें तब वोट करना जब हमने काम किया हो, यदि काम नहीं किया हो तो आप हमें वोट ना करें। इस तरीके से कोई भी नेता दूसरी पार्टी का नहीं कह सकता क्योंकि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास पर विश्वास करती है, लोगों के क्षेत्रीय लोगों के शिक्षा पर विश्वास करती है, उनके स्वास्थ्य पर विश्वास करती है, ये धर्म और हिंदू मुस्लिम पर नहीं चलती है, ये धर्म से हट करके एक काम करती है जो सभी क्षेत्रवासियों के लिए। आपके वार्ड में छठ पूजन का आयोजन किया गया है तो MCD का अहम रोल होता है, तो क्या कहीं पर कठिनाइयाँ ऐसी इस प्रकार की? देखिए मैं आपको बताऊँ अपने क्षेत्र की बात, पिछले साल भी ये छठ पूजा बिल्कुल बड़ी मुश्किल से बन पाई थी, बड़े प्रयासों के साथ मन पाई थी क्योंकि कई लोगों ने अटकलें अड़ा दी थी कि हम यहाँ छठ पूजा नहीं मनने देंगे। फिर हमने विधायक जी से बात की, विधायक जी ने अपने सारे एफर्ट्स लगा करके एट ए टाइम यहाँ SDM साहब को बुला करके पिछले साल यहाँ पूजा का अरेंजमेंट इस तिकवाना पार्क में कराया। इस बार भी थोड़ा सा ऐसा ही सिलसिला शुरू हुआ, फिर विधायक जी ने अपना काम किया और यहाँ सारे छठ पूर्वांचल भाइयों को यहाँ छठ मनाने का एक मतलब मौका मिल पाया है जिससे अपनी पूजा कर पाई है। और इस बार हमने विधायक जी से भी बात की और पूर्वांचल भाइयों ने भी बात की तो हमारे विधायक जी एक वादा करके गए कि अगले साल हम एक पक्के छठ घाट के हिसाब से इनको पूजा का एक मौका देंगे और छठ घाट को पक्का कराएंगे अपने क्षेत्र में। अभी क्या दिसंबर में एक घोषणा होने वाला है चुनाव का, उसमें क्या तैयारियाँ हैं आप? देखिए चुनाव तो अप्रैल में ही होने वाला था लेकिन कहीं ना कहीं माननीय CM साहब की लोकप्रियता से और जैसे कि आप देख रहे हैं अदर स्टेट में सरकार बन रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, पूरे देश में लोग केजरीवाल जी को पसंद कर रहे हैं, जनाधार बढ़ रहा है, इससे घबरा गई भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने चुनाव को आगे बढ़ाने का काम किया। बहाना है कि हम तीनों निगम को एक करेंगे, उन्होंने कर दिया, फिर उन्होंने वही कोशिश की कहीं ना कहीं कुछ करने का, हिंदू मुस्लिम ये और वो। अब चुनाव से कितना ही भग ले भारतीय जनता पार्टी लेकिन अपनी हार से नहीं भग पाएगी,
अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में भी, जैसे दिल्ली में चल रही है एमसीडी में भी बनेगी, और आने वाले दिसंबर में जो चुनाव होंगे तो नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, नगर निगम में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद आएंगे और अपने क्षेत्र को वो साफ और सुथरा रख पाएंगे। हमारे बीच में है कुछ ऐसे जो संचालन के रूप में है विधानसभा अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पूरे विधानसभा का भ्रमण करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज ये जो छठ मैया का प्रोग्राम यहां पर मनाया जा रहा है, माननीय सीएम साहब के आदेशानुसार और उनके अथक प्रयासों से, हमारे क्षेत्रीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी के अथक प्रयासों से आज हमारी विधानसभा में जो जगह जगह पर ये प्रयास किया गया कि हमारी विधानसभा में ही छठ मैया का पूजन किया जाए, क्यों कि उनका एक ऐसा मानना था कि कहीं हमारे भक्त जाते हैं कहीं क्षति ना हो जाए, और उसी के तहत ये यहाँ पर मनाया गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, माननीय सीएम साहब माननीय विधायक जी के माध्यम से, तो वो भी कहते हैं कि देवी शक्ति का हो सम्मान तभी बनेगा देश महान। हमारी देवी शक्तियाँ हमारे पास हैं, हमारी रक्षा करती हैं, उन्हीं के तहत आज ये छठ पूजा का प्रोग्राम मनाया गया। माननीय विधायक जी भी मंच पर थे, माननीय विधायक जी ने भी कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सब सुखी हों, सभी की कामना को पूरा करने के लिए। जी संगठन मंत्री विधानसभा, आप संगठन मंत्री हैं, तो आपको पहली बात ही आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है किस प्रकार से काम कर रही है और आगे क्या नीतियाँ होंगी। आम आदमी पार्टी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आगे की नीतियाँ भी आम आदमी पार्टी की अच्छी रहेंगी। अब देखो, हमारे अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार पूरी दिल्ली के अंदर छठ पूजा का अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं और हमारे विधायक जी ने अपनी पूरे गोकलपुर विधानसभा में जगह जगह छठ पूजा का जो प्रोग्राम रखा हुआ है और हर घाट को पक्का कराने का उन्होंने वायदा किया है। तो साथियों, ये हमारे पास में थी आम आदमी पार्टी की लॉबी पूरी और यहाँ पे सीएम केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली में चुस्ती से और फुर्ती से घाट का आयोजन किया है। जिस प्रकार से किसी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना आ जाए, उस प्रकार से उन्होंने एक ऐसे ऐसे इंतजाम भी किए हुए। यहाँ पे सिविल डिफेंस के भी जवान यहाँ पे मौजूद हैं जो कि पग पग पे वो खड़े रहते हैं और किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो वहाँ पे वो खड़े रहते हैं। और हमारे बीच में जितनी भी लॉबी थी वो आम आदमी पार्टी की थी। मैं संतोष कुमार अम्बेश, यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी से।